हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में साउंड कॉलर कोड कटिंग करना बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिर आपको नीचे से एक इंच स्टार रखते हुए निशान लगा लेना है। फिर आपको लंबाई से आधा इंच स्टार रखते हुए एक निशान लगा लेना है। फिर 2 इंच का एक निशान लगा लेना है फोल्डिंग का। फिर सीने के 1/4 हिस्से पे निशान लगा लेना है। फिर 1.5 इंच बैक करते हुए एक निशान लगा लेना है। फिर आपको 16.25 पे एक निशान लगा लेना है। फिर निशान को सीधा कर लेना है। निशानों को सीधा करने के बाद आपको 2 इंच पे निशान लगा लेना है। ऊपर भी 2 इंच पे निशान लगा लेना है। ऊपर 1.5 इंच पे, ऊपर 1.25 इंच पे निशान लगा लेना है। इसको आपको थोड़ी दूर तक सीधा करते हुए निशान को सीधा कर लेना है। फिर आपको क्रॉस वाली स्केल से क्रॉस मिला देना है। फिर आपको सीने के 6 हिस्से पे निशान लगा लेना है वेस्ट का। फिर हिप में 1/4 इंच प्लस करते हुए निशान लगा लेना है। फिर आपको शोल्डर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए निशान को लगा लेना है। फिर 1.5 इंच कंधी डाउनिंग का निशान लगा लेना है। फिर एक क्रॉस बैक का निशान लगा लेना है। फिर आपको 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा निशान लगाया था उस पर क्रॉस करते हुए निशान को लगा लेना है। ऊपर भी आपको इसी तरह को मिला लेना है निशान को। फिर आपको सीने के 12वें हिस्से पे निशान लगा लेना है। 1/4 इंच ऊपर उठाते हुए निशान को लगा लेना है। फिर 1.5 इंच पहले निशान को मिला लेना है। फिर 1/2 इंच पे चाक के निशान लगा लेना है, जो चाक रहेंगे। फिर 8 इंच के हम चाक खोलेंगे, इसलिए 8 इंच पे निशान लगा लिया है। फिर निशान को हल्का सा क्रॉस करते हुए सीधा कर लेना है। फिर आपको हल्का डाउन करना है बैक की ओर। हमारे बैक पे इसके निशान लग चुके हैं, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। आपको 1 इंच बाहर रखते हुए निशान को सीधा कर लेना है। बैक पीस रख लेना है। बैक पीस रखने के बाद आपको ऊपर देख लेना है, लगभग 5 इंच का कोड़ा बचना चाहिए। इन निशानों को, सभी निशानों को उठा लेना है। इन सभी निशानों को सेम तरीके से उठा लेना है। फिर आपको 1/2 इंच नीचे की ओर डाउन रखते हुए निशान को लगा लेना है आगे डाउन का। फिर इन सभी निशानों को सीधा कर लेना है, अच्छे से मिलाते हुए सीधा कर लेना है। फिर आपको 4 इंच पे निशान लगा लेना है पॉकेट का। फिर आपको पॉकेट वाले निशान को कुछ दूर तक सीधा कर लेना है। फिर आपको 2 इंच पे निशान लगा लेना है राउंड डाउन का।
फिर आपको राउंड वाली स्केल से आपको लगा लेना है इंसान को। फिर ये पॉकेट के सामने पे एक बटन रहेगा और फिर ये इस पे पाक फिर आपको 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है, फिर 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है, आधा इंच स्टॉ रखते हुए लपेल टूटेगी। ऊपर आपको 5 इंच तक के सीधा कर लेना है, फिर आधा इंच अंदर की ओर डाउन करते हुए इंसान को सीधा कर लेना है, फिर आपको 4.75 इंच पे निशान लगा लेना है गाउन कॉलर का। फिर कॉलर और निशान को हल्का क्रॉस करते हुए सीधा कर लेना है। कॉलर अपने हिसाब से रख सकते हैं आप। फिर आपको बैक पीस को रख लेना है। बैक पीस रखने के बाद आपको ये नाप लेना है कितना है, जैसे 8 इंच है तो 8 इंच को आपको बाहर निकालते हुए सीने का निशान लगा लेना है एकदम फिक्स। फिर आपको इसी तरह आपको बैक पीस में रख लेना है फिर से। फिर आपको बीच में भी नाप लेना है कितना है, जैसे ये 6 इंच है तो 6 इंच आपको बाहर निकालते हुए आपको लगा लेना है वेस्ट का निशान। इसी तरह आपको हिप में भी निशान को लगा लेना है। इसी तरह हिप में भी नाप लेते हैं, जिसे 1.75 इंच है तो 1.75 इंच बाहर निकालते हुए हमें ना हिप के निशान लगा लेने हैं एकदम फिट। फिर 2 इंच आपको लूजिंग का एक निशान लगा लेना है, फिर 2 इंच पे एक और निशान लगा लेना है, टोटल 4 इंच का निशान लगेगा सर। इसी तरह आपको हिप में भी निशान लगा लेना है। फिर आपको बीच ये इंसान से आपको सीने के छठे से भी निशान लगा लेना है, फिर इंसान को सीधा कर लेना है, तख्ती का निशान है। फिर 1.5 इंच आपको आगे करते हुए निशान को लगा लेना है, फिर 2.5 इंच आगे किया हुआ इंसान उसको नाप लेना है, ये 10 इंच आया उससे आधा इंच नीचे कम रखते हुए इंसान को सीधा कर लेना है। फिर आपको जो 1.5 इंच पे ऊपर निशान लगाया था उस निशान को सीधा कर लेना है, क्रॉस कर लेना है। फिर आपको आधा इंच की एक प्लेट के निशान को लगा लेना है। फिर आपको इसी तरह आपको बाहर के मार्जिन में आधा इंच एक्स्ट्रा कर देना है, जिस तरह उसमें कम किया है। फिर आपको बैक पीस को रख लेना है फिर से। बैक पीस रखने के बाद आपको ऊपर से शोल्डर को निशान का लगा लेना है, फिर आपको सामने को आधा इंच कम करते हुए इंसान को लगा लेना है, फिर इन निशान को तख्ती वाले निशान को मिलाते हुए 1.25 इंच पे इंसान को लगा लेना है कंधी राउंडिंग का। फिर इन निशान को इसी तरह मिला लेना है, फिर आपको क्रॉस करते हुए इंसान को लगा लेना है, फिर आपको आधा इंच डाउन करते हुए साइड पैनल को निशान का लगा लेना है, फिर आपको कंधे को क्रॉस करते हुए इंसान को लगा लेना है। फिर आपको बैक पीस रखते हुए चौक का निशान उसी तरह सेम उठा लेना है। इन निशान को हल्का हल्का गाढ़ा कर देते हैं। नीचे वाले इंसान को डाउन इंसान को सीधा कर लेना है। फिर इसी तरह आपको मार्जिन का निशान लगा लेना है सामने में, जो मार्जिन रहेगा चाक से आधा इंच कम करते हुए इंसान लगा सकते हैं आप। फिर ये तख्ते वाले इंसान से आपको 1.5 इंच बैक करते हुए इंसान को लगा लेना है, 1.75 इंच की पॉकेट का निशान लगा लेना है। फिर आपको 20 सेंटर का निशान लगा लेना है। सेंटर का निशान लगाने के बाद आपको ये इंसान को इसी तरह मिला लेना है नीचे वाले निशान को। फिर यह आपको 2.5 इंच ऊपर वाली पॉकेट से नीचे करते हुए प्लेट का निशान लगा लेना है। फिर आपको नीचे पॉकेट का निशान लगा लेना है, 5.5 इंच की पॉकेट का निशान हो गया। हमारे फ्रंट पीस के निशान लग चुके हैं।
जल्दी से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। फिटिंग कोट की कटिंग हो चुकी है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में।